कल भी ये देखा गया रैली के दौरान कि पुलिस ने वन साइड होके उनके कारकुनान को, जो पुरअमन रैली निकाल रहे थे, उनको गिरफ्तारियां भी की, लाठी चार्ज भी किया। क्यों सर, लोग कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की एमा पे हो रहा है। मेरे इलम में ऐसी कोई बात नहीं है, आप अगर है तो आप कैमरे की आंख से दिखा सकते हैं, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। उनके जो करिंदे हैं वो 8 फरवरी की शब को मुंह छुपाते फिरेंगे और उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये सिलेक्शन है फिर, ये सिलेक्शन तो नहीं है सर। नहीं नाजिन, हमारे साथ मौजूद है मियां मरगूब साहब जो कि पीपी 173 के कैंडिडेट हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, लोग कह रहे हैं कि जैसे कि नवाज शरीफ और ये पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, वैसे जो है किसी और जमात को मौका नहीं मिल रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका क्यों नहीं दे रहे आप? भाईजान वो आए करें, किसने रोका उनको? ये सिर्फ उनके कारकर्दगी नहीं है, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो वो आज ये इल्ज़ाम लगाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद उनकी यह है कि 2018 में जिस तरह लाडले को जो है इस कौम पर मुसल्लत किया गया था, आज वो अदारे मुझे सपोर्ट करके मुसल्लत क्यों नहीं कर रहे इस कौम पर? तो भाई ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं होती ना इसको। सर कल भी ये देखा गया रैली के दौरान कि पुलिस ने वन साइड होके उनके कारकुनान को, जो पुरअमन रैली निकाल रहे थे, उनको गिरफ्तारियां भी की, लाठी चार्ज भी किया। क्यों सर, लोग कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की एमा पे हो रहा है। मेरे इलम में ऐसी कोई बात नहीं है, आप अगर है तो आप कैमरे की आंख से दिखा सकते हैं, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। आज मैं समझता हूँ ये मैदान खुला है, काम करें, जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां निकालें, हम उनको वेलकम कहते हैं। हम तो सियासी मैदान में मुकाबला करने वाले लोग हैं। तो सियासी मैदान में जो उनके जो बड़े जो बुर्ज थे उनको तो टिकट दिया ही नहीं गया, क्यों हुआ ऐसा? क्यों, कोई डर है, कोई खौफ जो था वो उनका मामला, वो बता सकते हैं कि क्यों नहीं टिकट दिया। हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं है, जिसकी पार्टी है वो ही उसके मुताबिक बेहतर कमेंट कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब अब चौथी बार आए हैं और लोग कह रहे हैं कि ये, बल्कि नून लीग का ये ऐलामिया है कि जो जो नवाज शरीफ हैं वो अब चौथी बार जो है वजीर आजम बनेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल से चौथी बार इंशाल्लाह नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा। और आज कौम की उम्मीदें जो है, महंगाई का में कमी आए, यूटिलिटी बिल्स के अंदर कमी आए, मुल्क में अमन और अमान आए, मईशत का पहिया चले और लोगों को रोजगार मिले, इंशाल्लाह इन कामों के ऊपर नवाज शरीफ आगे बढ़ेगा और कौम को उम्मीद की वाहिद किरण नवाज शरीफ है और अल्लाह ने चाहा तो हम उनकी आवाम की उम्मीदों में पूरा उतरेंगे। सर चौथी बार जबकि वजीर आजम बनने जा रहे हैं, अलामिया वही है, बयानिया वही है, चेंज क्यों नहीं हुआ 30 सालों में? देखिये बात यह है कि नवाज शरीफ के 3 अदवार अधूरे रहे, हमेशा मोहल्लाती साजिशों के नजर हुए, उनको काम करने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ के जो 9.5 साल बनते हैं उनको पाकिस्तान की 76 साल तारीख में एक तरफ रख लें और बाकी ये 66 साल को एक तरफ रख लें तो गौर करें, फिर पाकिस्तान तो खंडर है भाई। सर तकरीबन कितने मार्जिन से आप सोचते हैं कि यहाँ पर यास्मीन राशिद को आप लोग शिकस्त दे पाए? देखें ये अल्लाह की मेहरबानी से, मैं जो एक सियासी कारकुन हूँ 85 से मैं हिस्सा ले रहा हूँ मुख्तलिफ इलेक्शन के अंदर और अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ाए भी हैं, लड़े भी हैं, मेरी ये आंख मंजर देख रही है कि अल्लाह की मेहरबानी से ये यकतरफा इलेक्शन होगा, हर तरफ से शेर की आवाज आएगी और पीटीआई वाले या उनके जो करिंदे हैं वो 8 फरवरी की शब को मुंह छुपाते फिरेंगे और उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये सिलेक्शन तो नहीं है सर। नहीं ये इलेक्शन होगा, लोग ठप्पे लगाएंगे, ये दुनिया ठप्पा लगाएगी शेर पर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाजिन मियां मरगूब साहब हमारे साथ थे और उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं है, लोग ठप्पा लगा के और मुस्लिम लीग नून को कामयाब करेंगे, शेर को कामयाब करेंगे। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।